सबसे पहले अब शायद 14 अप्रैल के पहले मिलना न हो, इसलिए सबसे पहले आप सभी को बंगाल के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बंगाल की जनता को भी आपके माध्यम से बंगाल के नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, तीन चरण का चुनाव हो चुका है, हम चौथे चरण में कल चुनाव में मतदाता अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। मैंने जैसे पहले बता चुका हूं, तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन बंगाल की जनता का मिला है। हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट, 63 to 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस तीन चरण के अंदर जीत रही है। मित्रों, और तृणमूल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार से, उनके भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। कोई राज्य की मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल की अध्यक्षा अगर ये कहती है कि सीएपीएफ का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, मैंने ऐसा दृश्य मेरे राजनीतिक जीवन में देखा है, ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है, या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है? मैं इनकी बात को नहीं समझ सकता। और वो बार बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर सीएपीएफ चुनाव को डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी को मैं एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूं कि सीएपीएफ जब चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ। और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं, ये लोग मुख इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। सार्वजनिक जीवन में इतना तो एक आम बात होती है कि किसी भी हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, सभी लोग उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी तृणमूल कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। जिस प्रकार से इन्होंने माइनॉरिटी वोटर्स को अपील की है कि एकजुट हो जाइए और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करिए, वो बताता है शायद उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे धीरे उनसे खिसक रहे, कहीं और जा रहे, और ये डर भी उनको सता रहा है। वरना इस प्रकार की अपील किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से, किसी भी पार्टी के अध्यक्षा के मुंह से मैं नहीं मानता कि ये उचित है। इस प्रकार के काम करने की बजाय दीदी को चाहिए कि हार के कारणों का एनालिसिस करें, बंगाल की जनता क्यों उनके खिलाफ है उसका उनको एनालिसिस करना चाहिए। दीदी, बंगाल की जनता आपके खिलाफ है क्योंकि कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पूर्णतया चरमरा गई। बंगाल की जनता आपके लिए, आपके इसलिए खिलाफ है कि यहां पर घुसपैठ बेरोक आपने होने दी है, अब
तो कलकत्ते में बैठे हुए बंगाली बाबू को भी चिंता है कि 10 साल के बाद कलकत्ता की क्या स्थिति होगी, घुसपैठ अगर इसी तरह से चलती रही। बंगाल की जनता इसलिए आपके खिलाफ है, लाखों करोड़ों जो शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का कानून मोदी जी लेकर आए, सीएए अब सीएए का विरोध कर रही है, इसलिए हमारे बंगाल के मतदाता आपके खिलाफ। तुष्टिकरण की आपकी जो राजनीति रही इसके लिए बंगाल की जनता आपके खिलाफ। दुर्गा पूजा में मूर्ति का विसर्जन करने के लिए कोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, सर्कुलर होते हैं, कुछ एरिया में सरस्वती पूजा नहीं होती। किस प्रकार का शासन आपने बंगाल को दिया है इसको जरा पीछे मुड़कर देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का खस्ता हाल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जीरो डेवलपमेंट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महिला सुरक्षा के सारे पैरामीटर उनके मोह गिरे हुए हैं, सब प्रकार के महिलाओं के खिलाफ के अपराध में 1 से 5 नंबर के अंदर बंगाल खड़ा है। टोलबाजी, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार अपनी सभी सीमाएं लांघ गया है। कुल माफिया और गौ तस्करी करने वालों के साथ तृणमूल के पदाधिकारी और वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं की साठगांठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब किस आधार पर बंगाल की जनता से बंगाल का वोट मांगना चाहती है? ढेर सारी जन कल्याण की योजनाएं जो मोदी जी ने बंगाल के लिए भेजी उसको आपूर्ति नहीं पहुंचने देती है, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है उसकी योजना हो, चाहे ग्रामीण सड़क बनाने की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार हो, चाहे रेलवे के एक्सपेंशन की बात हो, हर चीज में आपने अड़ंगा लगाया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके भय से बंगाल के विकास को धीरा करने का काम, रोकने का काम आपने कहा है, और इसी का कारण है कि आप बंगाल के सर्वदूर कहीं पर भी जाइए, सुंदरवन में जाइए, जंगल महल में जाइए, दक्षिण बंगाल में जाइए, उत्तर बंगाल में जाइए, चाहे राजवंशियों के जाइए, चाहे गोरखाओं के अंदर जाइए, चाहे नाम शूद्र के अंदर जाइए, हर प्रकार के बंगाल के वोटर आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कई विशिष्ट लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। इतना नहीं, पहली बार चुनाव लड़ने का साहस भी किया है। मैं साहस शब्द इसलिए करता हूं कि उनकी फितरत में चुनाव लड़ना नहीं था, कभी वो चुनाव लड़ने के अपने जीवन में सोचे भी नहीं होंगे, परंतु बंगाल की स्थिति देखकर उनको भी लगता है कि अब समय आ गया है, उनको भी आगे आने पड़ेगा अगर बंगाल को बचाना है। कई सारे ऐसे लोग हैं, अर्थशास्त्री अशोक लहरी जी, वैज्ञानिक गोविंद दास, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो शाह, हमारे वरिष्ठ लेखक और पत्रकार सपन दास गुप्ता, इस प्रकार के कई लोग बंगाल के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, और बंगाल का जो डिटोरिएशन हुआ है वो हर पैरामीटर में दिखाई पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय में 22वें स्थान पर भारत में है, सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि में 31वें स्थान पर है, राजस्व की वृद्धि रेवेन्यू की इंक्रीज में वो 10वें स्थान के नीचे है, उद्योग क्षेत्र के GSVA में 20वें स्थान पर है, और देश में जो कंट्रीब्यूशन बंगाल का GDP में 30% था वो घटता 3.3% पर आ गया है। यही बताता है कि बंगाल की स्थिति कितनी खराब है। हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर ढेर सारे संकल्प हम लेकर आए हैं जो बंगाल को सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी, हर एक कोने को स्पर्शने वाला, हर व्यक्ति का समावेश करने वाला विकास देगा और बंगाल को सोनार बंगला बनाएगा। जहां तक आर्थिक विकास की बात है, हमने सोनार बंगला आर्थिक पुनरुत्थान टास्क फोर्स का गठन करने की बात करी है, जिसमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री होंगे जो आगे बंगाल को कैसे ले जाना इसकी रणनीति तैयार करेंगे। इन्वेस्ट बंगला की स्थापना करकर निवेश तेजी से आए
इसके लिए एक सरल पद्धति का हम इजाज करेंगे। ईज ऑफ डूइंग की जो तालिका है उसमें देश में बंगाल तीसरे नंबर पर लाने का हमने संकल्प किया है। 100% गारंटी कवर के साथ एमएसएमई को 10 लाख की लोन कोई भी कोलेटरल गारंटी के बगैर देने के लिए हम योजना लेकर आए हैं। गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन के तहत लगभग 2 लाख करोड़ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है। उज्जवल बांग्ला मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 साल में 30,000 करोड़ रूपया इन्वेस्ट कर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की लक्ष्य हमने तय किया है और हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार देने का संकल्प हमने यहां पर आप लोगों के सामने रखा है। कृषि के लिए भी 10,000 रूपया प्रति साल हर किसान को दिया जाएगा। जो 18,000 रूपया अब तक बाकी है वो केंद्र सरकार की सहायता से सरकार बनने के 1 सप्ताह के अंदर ही हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 75 लाख किसानों को 18,000 रूपया 1 सप्ताह के अंदर जो उसका अधिकार है हम देने का काम करेंगे। छोटे और सीमांत किसानों के और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों को केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा का भार बंगाल सरकार वहन करेगी। महिलाओं के लिए भी हम ढेर सारी चीजें लेकर आए हैं। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देकर जो अब तक की कमी है इसको पूरी कर बराबरी पर लाने का हम काम करेंगे। सभी महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा हम मुफ्त करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का आवागमन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करने का वादा बंगाल की महिलाओं को किया है। उत्तर बंगाल को जितना निग्लेक्ट आज तक किया गया है मैं मानता हूं किसी भी सरकार ने नहीं किया। कुछ मायनों में तो दीदी ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला है। उत्तर बंगाल के विकास के लिए दीदी के सरकार ने सबसे ज्यादा अन्याय किया है। ना कोच राजवंशियों की चिंता हुई ना गोरखाओं की चिंता हुई। चाय और तंबाकू वहां के प्रमुख उत्पाद है इसके लिए भी कोई उचित रणनीति लेकर नहीं आए और ढेर सारी चीजें ऐसी है जो उत्तर बंगाल को आज परेशान कर रही है। हमने उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक उत्तर बंगाल विकास बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है। नारायणी बटालियन जिन्होंने राजवंशियों की एक सेना का नाम था जिन्होंने मुगलों से उत्तर बंगाल को बचाया था इसके नाम पर एक सीएपीएफ में बटालियन की स्थापना करेंगे। ठाकुर पंचानन बर्मन के नाम पर एक संग्रहालय और एक भव्य स्मारक बनाएंगे 250 करोड़ रुपए के खर्च से। मदन मोहन मंदिर कमलेश्वरी मंदिर जगदेश मंदिर इसको एक पर्यटन का केंद्र बनाकर एक सर्किट बनाने का काम करेंगे। बहादुर वीर चिला रॉय के सम्मान में कूच बिहार में एक पैरामिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेंगे। उत्तर बंगाल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उत्तर बंगाल में एक एम्स बनाया जाएगा और कलकत्ता और सिलीगुड़ी के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 700 किलोमीटर का रोड का निर्माण कर उत्तर बंगाल को कलकत्ता के साथ जोड़ने का हम काम करेंगे। बागडोरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करेंगे। सिलीगुड़ी में मेट्रो की सेवा शुरू करेंगे। सिलीगुड़ी में एक आईटी पार्क की स्थापना होगी। बंगाल उत्तर बंगाल में अन्नदाता मेगा फूड पार्क की स्थापना करेंगे। एक चाय पार्क भी निर्माण करेंगे। इसके अंदर विशेष रूप से 100 करोड़ रुपए की लागत से चाय के औषधीय गुणों का रिसर्च करने का काम होगा। हर्बल दवाइयों के निर्माण के लिए भी एक हर्बल फार्मा पार्क की स्थापना करेंगे और गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जनजाति की रूप में मान्यता देने के लिए भी हम काम करेंगे। एक भव्य गोरखा स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय दार्जिलिंग में बनाएंगे। राजवंशी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजभोगी भाषा को स्कूलों में कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में स्थापित करेंगे और जितने भी चाय बागान सिनिकोना गार्डन और फॉरेस्ट विलेज और डीआई के निवासी है उनको पट्टा देकर जमीन के हम मालिक बनाएंगे। हमने
कलकत्ता की स्थिति को सुधारने का भी संकल्प किया है। आज तक कलकत्ता पर 10 साल के अंदर जस का तस जैसे कम्युनिस्ट छोड़कर गए थे वैसा ही रखा है। एक जमाने में सिंगापुर के डेवलपमेंट का मॉडल कलकत्ता का हुआ करता था, आज वो कलकत्ता की स्थिति बहुत घिरी हुई है। हमने सोनार बांग्ला का हमारा जो अभियान है उसकी शुरुआत कलकत्ता से होगी। सिटी ऑफ जॉय को हम सिटी ऑफ जॉय तो रहेगा ही रहेगा, बाद में सिटी ऑफ फ्यूचर में भी उसको कन्वर्ट करने का हम काम करेंगे। कोलकाता के लिए 22,000 करोड़ का कलकत्ता डेवलपमेंट फंड निर्माण करेंगे जो कलकत्ता के कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से एक बार स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली हम फ्री करेंगे। अगले 5 वर्षों में कलकत्ता को भारत के वित्तीय केंद्र के रूप में एक आर्थिक राजधानी बनाने के लिए हम एक कमेटी बनाकर इसको आगे बढ़ाएंगे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को आर्थिक गतिविधियों के लिए हम फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। नए आईटी पार्क की स्थापना करेंगे और मौजूदा आईटी पार्क के अंदर 300 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट कर इसको ज्यादा लॉजिकल बनाने का काम करेंगे। एक नए जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करेंगे जो 100 करोड़ के खर्च पर होगा। सभी इमारतों को इसका फायर ब्रिगेड का दृष्टि से ऑडिट कर हम इसको सेफ बनाने का काम करेंगे। एक नए अग्निशमन केंद्र की स्थापना और नए अग्निशमन कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में करेंगे। हर कोने में सीसीटीवी का जाल बुनकर कलकत्ता को गुंडों से मुक्त कराने का काम करेंगे और एक ही कार्ड से मेट्रो, लोकल ट्रेन और बसों के लिए एकीकृत परिवहन कार्ड लॉन्च करेंगे जो काफी बड़ी मात्रा में कलकत्ता के निवासियों के परेशानी को कम करेगा। 10 बहुमंजिला पार्किंग स्थान किया हम निर्माण करेंगे। 1500 करोड़ की खर्च से स्वच्छ कलकत्ता का एक फंड बनाएंगे। 1000 करोड़ की लागत से रानी रासमती नदी विकास परियोजना लाएंगे। हुगली रिवर फ्रंट की आधुनिक बनाकर एक सुंदर व्यवस्था वहां पर करेंगे। कालीघाट में आदि गंगा नदी को पुनर्जीवित कर उसको कचरे डालने से प्रतिबंध लगाकर फिर से एक बार गौरव देने का काम करेंगे। 10 मॉक टावर की स्थापना करेंगे और कलकत्ता को प्रतिष्ठित यूनेस्को हेरिटेज सिटी में शामिल करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बंगाल की संस्कृति के लिए भी बातें तो बहुत करी है मगर दीदी के शासन में जितना हास बंगाल की संस्कृति का हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा। मैं इनकी बातों में जाना नहीं चाहता। हम एक विजन लेकर एक दृष्टि लेकर आए हैं। नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज और ऑस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे अवार्ड कलकत्ता में बंगाल सरकार शुरू कर उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेगी। 11,000 करोड़ के सोनार बांग्ला फंड से कलकत्ता को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का हम काम करेंगे। गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चर एक्सेलेंस की स्थापना कर बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश और विदेश में एक एक्सचेंज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए 2500 करोड़ का फंड हम रिजर्व कर इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान देंगे। पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर 3000 रूपया मासिक हर पुरोहित को देने का काम करेंगे। चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक संस्थान बनकर बंगाल की विरासत को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का हम प्रयास करेंगे। नेताजी को सम्मानित करते हुए देश भर में नेताजी और आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक यात्रा का प्रदर्शन करने के लिए 1000 करोड़ का फंड हम बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए हम प्रयास करेंगे। सरकारी दस्तावेजों, आदेशों और पत्र व्यवहार में बांग्ला भाषा को हम अनिवार्य करेंगे। राज्य भर में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और लीगल प्रोफेशन के एजुकेशन को बांग्ला माध्यम में पढ़ाई की हम पूरी व्यवस्था करेंगे जिससे बांग्ला भाषा में भी बच्चे पढ़ सके। कोलकाता में
एक विश्व स्तरीय सोनार बंगला संग्रहालय का हम निर्माण करेंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के कीर्तनकारों को 3000 की मासिक पेंशन देंगे। एक आर्टिस्ट स्ट्रीट का आयोजन करेंगे। बंगाली फूड फेस्टिवल का आयोजन देश भर में और दुनिया भर में करेंगे। 3 दिवस का त्योहार बंगलार आलो का आयोजन करेंगे और सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस और महर्षि अरविंदो जैसे बंगाली नायकों के नाम पर एजुकेशन चेयर देश भर की सभी यूनिवर्सिटियों में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों में भी बनाने का काम करेंगे और 1000 करोड़ के कोष के साथ बंगाली कलाकार कल्याण बोर्ड की भी हम स्थापना करेंगे। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर सिर्फ ममता दीदी का शासन ठीक नहीं है वहां से नहीं रुकती। ममता दीदी का शासन ठीक नहीं है ये तो हम उजागर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बंगाल की जनता तक सच्ची बात पहुंचे। परंतु इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कलकत्ता के विकास के लिए, उत्तर बंगाल के विकास के लिए, बंगाल की संस्कृति के लिए और बंगाल के समग्र विकास के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी एक रोड मैप लेकर हम बंगाल की जनता के सामने आए हैं। 3 चरण का चुनाव हो गया है। सुरक्षित बंगाल के लिए मैं सभी मतदाताओं को अपील करता हूं कि सुरक्षित बंगाल के लिए आप बाकी के 5 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करिए। विकसित बंगाल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करिए और सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करिए। घुसपैठियों की समस्या के निराकरण के लिए वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ना कम्युनिस्ट कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना ममता दीदी कर सकती है। यही ममता दीदी है जिन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ उनके नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिए 3 बार पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया था। आज वही ममता दीदी उनकी संरक्षक बनी है। कैसे कैसे लोग बदलते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता। यही ममता दीदी है जो एक जमाने में कहती थी कि सीएपीएफ को भेजे, यहाँ पर चुनाव में रेगिंग हो रही है। वही ममता दीदी आज कह रही है कि सीएपीएफ रेगिंग कर रही है। लोगों के विचार कैसे कैसे बदलते हैं जब अपने स्वार्थ और बदलते हैं। अपने स्वार्थ बदलने के साथ लोगों के विचार कैसे बदलते हैं इसका उत्कृष्ट उदाहरण ममता दीदी है। मैं आज फिर से एक बार इस बात पर बाहर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सभी शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत की नागरिकता देकर हम उनको सम्मानित भी करेंगे, उनका पुनर्वसन भी करेंगे और हमारे साथ गौरव के साथ अपना जीवन यापन कर सके, इस प्रकार की स्थिति में लाएंगे। अंत में मैं फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बाकी के 5 चरण में भी यहां पर बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह से समर्थन करे जिस प्रकार से पहले 3 चरण में करा है। ये विनती करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो प्रथम दीपक घोष, अदिति आनंद, आप एक एक नाम बोलते जाइए भैया। हेलो हेलो दीपक, मेरा एक ही सवाल है। तो बाबा दीपक बड़े खड़े हो गए, आप दिखाई देने चाहिए ना, ऐसे कैसे चले। कैमरा रास्ता खड़ा हो गया सबकी चीज, तो ये कैमरा वाला बताइए। घोषणा की है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यजीत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे पुरस्कार चालू करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की संस्कृति को सामने लाने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो इसके साथ विधानसभा चुनाव का तो कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं।
आप चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं इस चीज को। आप ये बात समझ ही नहीं रहे, मैं बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार ही प्रयास करेगी ये कह रहा हूं, जो दीदी ने नहीं किया है। धन्यवाद। सर यू हैव ऑलरेडी अरुप दत्तो फ्रॉम न्यूज 18 मंथ, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट पॉलिटिकल वायलेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो अभी जो दो तीन फेज इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद में जो देखा है पॉलिटिकल वायलेंस पॉलिटिकल क्लैश इन बिटवीन पर्टिकुलरली टीएमसी एंड बीजेपी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड नॉट ओनली इन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स but also media also been targeted. Yesterday you have already mentioned Rudra Nil Ghosh and namely Bandidev Sengupta has been attacked and media also been targeted. So how far you are hopeful in the forthcoming election that it could be fair, free and fair election? देखिए मैंने तीन चुनाव बंगाल के नजदीक से देखे हैं। 2016 के चुनाव में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, पंचायत चुनाव में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो बंगाल का चुनाव देखता था और लोकसभा के चुनाव भी देखे। आप सभी ये बात को स्वीकार करेंगे कि तीनों चुनाव की अपेक्षा इस बार हिंसा कम हुई और ये जो फ्रस्ट्रेशन है दीदी का कि सीआरपीएफ का घिराव कर दो वो उसी के कारण है क्योंकि उनके चुनाव जीतने का एकमात्र आधार हिंसा हुआ करती थी जो इस बार नहीं कर सकते। मगर फिर भी जो छोटे मोटे भी इंसिडेंट हुए हैं मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं और चुनाव आयोग को निवेदन भी करना चाहता हूं कि और सख्ती के साथ चुनाव को मैनेज करना चाहिए जिससे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो पाए। मगर बंगाल यही बंगाल है जिसमें देश भर में पर्चा डालने के लिए कैंडिडेट का फॉर्म भरने के लिए व्हाट्सएप पर फॉर्म भरने की परमिशन दी गई है, एकमात्र राज्य बंगाल है। यहां पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप अपना फॉर्म व्हाट्सएप पर भर सकते। देश में कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई, बंगाल में आई थी और इससे इस बार तीनों चरण में बहुत कम हिंसा हुई है। मैं इसके प्रति संतोष भी व्यक्त करना चाहता हूं। सर एक यहाँ पे पूर्व जैसे पुरोहित के भाता है वैसे ही यहाँ पे कुछ इमामों को भी भाता है। थोड़ा माइक आपका माइक बंद कर दो, आपका माइक ऊपर करो। वैसे इमामों को भी भाता है तो बहुत इसके क्रिटिसिज्म था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये इमामों को भाता बंद होनी चाहिए। क्या आपके सरकार आएगी तो इमाम भाता बंद होगा? क्या कहते हैं इमाम के लिए स्टाइपेंड जो है? देखिए मैंने मेरा पॉजिटिव एजेंडा आपके सामने रखा है मगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी के साथ पक्षपात करने के मत की नहीं है, किसी एक धर्म विशेष के साथ करने के मत की नहीं है। जो करना है वो सबके लिए करना चाहिए और नई सरकार बनेगी वो ही इसके बारे में निर्णय करेगी। चौबीस घंटा आप आज कुछ देर बाद भवानीपुर जाने वाले हैं और उधर ही कल देर रात को आपको पता होगा कि मीडिया के ऊपर भयंकर हमला हुआ है, कैमरा छीन लिया गया, चिप छीन लिया गया, बाद में कैमरा वापस दिया गया तोड़ के। पुलिस अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, टीवी पर आइडेंटिफाई किया गया है कौन लोग हमला किए, इसके बारे में आपको बोले की मैं जरूर मानता हूँ कि चुनाव आयोग ने मीडिया करके हमले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कंप्लेन रजिस्टर करने गए थे उनका भी पुलिस स्टेशन के अंदर घिराव करके उनको पीटा गया, ये बहुत गंभीर बात है और इस पर तुरंत कदम उठाना चाहिए। अमित पांडे जी टीवी 18। अमित पांडे इंडिया से। टीएमसी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि पैसे बांटकर भीड़ जुटाई जा रही है और इसीलिए लोग आ रहे हैं, 1000 ऊपर भी बांटे जा रहे हैं। देखिए इस बार शायद देश के सभी चुनावों से 10 गुना कैमरे बंगाल में लगे हुए, हम
कहीं पर करते तो जरूर आप लोगों की नजर में कहीं ना कहीं आ जाएगा। दीदी के आरोप पर आप आधार मत रखिए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है तो कई प्रकार के आरोप लगा दिए। मनुप्रति एबीपी न्यूज। मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी ने बार बार आरोप लगाए हैं कि सारे, ये कहा है कि सारे मुसलमान एक साथ एक जगह वोट दें, सारे मुस्लिम सारे वोट एक जगह एक साथ से वोट पड़े। किस तरह से आप देखते हैं क्योंकि जहां तुष्टिकरण तो वहीं दूसरी और ध्रुवीकरण की राजनीति बंगाल में पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा देखी गई है। और दूसरा, गौतम देव जो मंत्री है बंगाल की सरकार की, धमका रहे हैं, वीडियो है वोटर्स के लिए कि अगर वोट नहीं दिया पार्टी को तो पार्टी चुनाव के बाद बाहर निकाल दे। कैसे देखें इसे? देखिए, ममता दी को लगता है कि इन्होंने जो अपील की है माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को, कि आप तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दीजिए, एकजुट होकर वोट दीजिए, ममता दीदी समझती है कि एक अकेले मुसलमान ही इसको सुन रहे हैं। मैं दीदी को ही बताना चाहता हूं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं इसको, तो बाकी के लोगों ने तय करना है, मुस्लिमों ने भी ये तय करना है कि इस प्रकार के धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर चुनाव करना क्या ठीक है। बाकी के लोगों ने भी ये सोचना है कि भाई आपसे तो मांगते ही नहीं है तो आपको देना क्या ठीक है, ये तय करना पड़ेगा। अमित भाई, जिस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है नेताओं के एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आप हो? आज ही टीएमसी के नेता ने कहा है कि बीजेपी का हर एक नेता इंक्लूडिंग आप एक जुमलेबाज है। चलिए, ऐसी टिप्पणियां चुनाव में चलती रहती है, आप भी सीरियसली मतलब, मैं भी नहीं लेता। सर, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आई थी मुस्लिम युवक के साथ, मुस्लिम युवक के साथ प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आई थी, उसको लेकर ओवैसी ने तंज कसा है, ट्वीट किया है बकायदा कि बांग्लादेशी मैं नहीं हूँ ये युवक ने कहा है, और एनआरसी को लेकर तंज कसा है कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं बांग्लादेशी नहीं, ये कहा है पीएम के कान में उस युवक ने जिसकी तस्वीर आई, ये ओवैसी का बयान है। चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ, वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा बैठे। नमस्कार, राजू चक्रवर्ती, वर्तमान न्यूज़पेपर। सर, मेरा दो क्वेश्चन है, एक तो हाल ही में देखा गया है अध्यक्ष जी नड्डा जी का श्रीरामपुर चुतरा का जो रैली था वो कैंसिल हुआ, अब खुद धारग्राम साउथ 24 परगना के रैली में पर्सनली हाजिर नहीं हुए, जोगी जी के रैली में भी लोग नहीं आ रहे हैं। तृणमूल का कहना है कि आपके साथ जनमत नहीं है। आपका क्या कहना है, तृणमूल छोड़ो ना, वो आपको मोदी जी की, नड्डा जी की सफल रैलिया, योगी जी की सफल रैलिया नहीं दिखाई पड़ती है? नहीं सर, मैं बोलो, आप तृणमूल के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? चलिए मेरे साथ आज रोड शो में, जो चीज मैं समझ गया सवाल कहाँ से आया है, मगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ भैया कि आपको क्या लगता है, इतनी सारी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं दिखाई पड़ती है? कहीं पर एकाध आयोजन भायोजन में गड़बड़ होती है, धूप होती है, होता है भी। सर, मेरा दूसरा सवाल, कम से कम हमने तो, चलिए छोड़ो अभी, नहीं नहीं बोलिए बोलिए सर, बोलिए प्लीज प्लीज सर, चलिए चलिए सर, मेरा सर बैठ जाइए सर, पॉलिटिकल नहीं, दूसरा सवाल है सर, ये कोविड सिचुएशन बढ़ते जा रहा है, कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर, पिछले साल देखा गया है लॉकडाउन या फिर जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपके मंत्रक से ही, यानी कि होम मिनिस्ट्री जारी कर रहा है, अभी ट्रेन बस मेट्रो पे एक ही चर्चा हो रहा है कि केंद्र सरकार क्या फुल लॉकडाउन में जाएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने शायद अंतिम नोटिफिकेशन हमारा नहीं देखा है, इसमें हमने सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन, सेमी कंटेनमेंट जोन और राज्य के अंदर इसके खिलाफ किस प्रकार की प्रतिबंधित कार्यवाही करनी, इसके सारे अधिकार फरवरी एंड से हमने राज्य सरकारों को दिए। पीडाप्पानी घोष, आनंद बाजार डिजिटल। पिछले जब इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में देखा गया कि विरोधियों ने इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, लेकिन इस बार दिखाया है कि पहले चरण से ही शासक दल तृणमूल कांग्रेस ज्यादा कंप्लेन कर रहा है कि बीजेपी बूथ कैप्चर किया, इधर ईवीएम तोड़ा,
बीजेपी वोट देने को नहीं देता है, तृणमूल को ऑफिस में नहीं बैठने दे रहा है, बूथ में एजेंट नहीं बैठने देते हैं, तब क्या कहेंगे बीजेपी? एक शासक दल बन गया। इनके राजनीतिक सलाहकार ने 2 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पृष्ठभूमि अभी से बनाने की एडवाइस की है कि 2 मई को हार जाए तो क्या करना, ये सारी चीजें रिपीट में अभी से पहले से ही बोलकर रखो तो 2 मई को काम में आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभिषेक का टीवी नहीं, अभिषेक अमित जी, अभिषेक उपाध्याय टीवी 9 भारतवर्ष से। पिछले 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन ने 2 नोटिस दिए हैं। एक नोटिस दिया है ममता बनर्जी को मुसलमानों को एकजुट करने के बयान पर, जो सवाल अभी आपसे पूछा गया है। दूसरा नोटिस दिया है शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी को बेगम कहने और मिनी पाकिस्तान की बात कहने पर। इस तरह की राजनीति पर क्या कहना है आपको? दोनों ही पक्षों से हो रहा है। मैं मानता हूं दोनों ने अपना जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से बड़ा जब चुनाव होता है कोई नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन का नोटिस दोनों ने देना चाहिए। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, शुभेंदु जी तो जवाब भेज रहे हैं, बोलने भी आज तक सर। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि जब मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे कि सीएए जो पहली कैबिनेट मीटिंग में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पर आपने ये भी कहा था कि ड्राफ्ट ऑफ रूल्स विल बी डन आफ्टर द वैक्सीनेशन प्रोसेस, सो आई नीड क्लैरिटी ऑन दैट। क्लैरिफिकेशन इतना ही है कि यहाँ की सरकार ने सीएए के विरोध में स्टैंड लिया है, एक रिजोल्यूशन करा है, हम वो रिजोल्यूशन को डू अनडू कर देंगे, बाकी का काम भारत सरकार ने कब करना है क्योंकि सेंट्रल एक्ट है। प्रज्ञा जी सर, आपने कहा ममता बनर्जी और शुभेंदु जी अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को देंगे, पर ममता बनर्जी रैली में जवाब दे रही है इलेक्शन कमीशन की जगह। उन्होंने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मुझे 10 नोटिस इशू हो जाए, बल्कि इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको क्यों नोटिस नहीं जाता? इलेक्शन कमीशन पे भी एस्पर्शंस कास्ट कर रही है ममता। देखिए, आपके सवाल का एड्रेस गलत है। आधा सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछना है, आधा ममता जी को पूछना है, दोनों से एक सवाल मुझे नहीं है। वसुंधरा जी, इकोनॉमिक टाइम्स है। अमित भाई, इसके बाद मुर्शिदाबाद और कैलकाता के चुनाव आएंगे जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनली आप लोग इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इन दोनों जगहों में आप गलत फहमी में हैं, स्ट्रांग है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। मुर्शिदाबाद और नहीं, आपकी गलत फहमी में पहले क्लियर कर देता हूं, दोनों जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है और हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। आप पूछिए। नहीं सर, मुर्शिदाबाद और कैलकाता को, ये जो कैलकाता सिटी है और मुर्शिदाबाद है, ये दोनों ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे आप लोगों के इतने बड़े गेम्स हुए नहीं थे 2019 में और अच्छे नंबर ऑफ सीट है वहां पे, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या चाहते हैं? 2019 के बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है और बंगाल की जनता का मूड भी बहुत परिवर्तित हुआ है। 2019 में सबके मन में शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। जब 18 सीट जीते तब ये शंका निर्मूल हो चुक गई है। मानो हर चरण में जिस प्रकार से ये सीटें भी आती है, दक्षिण कलकत्ता की भी सीटें तीसरे चरण में आई है, उसके ट्रेंड मेरे पास है, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। नीरज जी, एबीपी। सर, मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, यहां लिफ्ट के साथ मिलकर, लेकिन एक भी दिन राहुल गांधी पे इन्वॉल्व नहीं है, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ इंटरनल सपोर्ट में है कांग्रेस? मैं भी ऐसा नहीं, वो कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। केरल में वो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहां कम्युनिस्टों के साथ लड़ रहे हैं। शायद आप सब सवाल पूछोगे, इसी डर से वो आए नहीं। रिपब्लिक बांग्लादेश, शिवाशीष। हेलो जी, मैं शिवाशीष रिपब्लिक बांग्ला से। मेरा प्रश्न है कि पहले यहाँ पे विधान परिषद हुआ करता था कई साल पहले, टीएमसी ने मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया है और आपके कुछ कैंडिडेट जैसे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि विधान परिषद फिर से लाने के लिए, तो आपका क्या मानना है इनके ऊपर? अब बंगाल के हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे इस पर निर्णय करेंगे। मुझे लगता है कि
आप लोग जब खींच खींच कर सवाल पूछ रहे हो, सवाल खत्म हुए हैं, इनको दे दीजिए एनडीटीवी को। मनीदीपादी सर, दो तीन क्वेश्चन है इफ आई मे। पूछ लीजिए। एक तो मैं पूछ लूं, पहली बार कि आप, आपने कहा कि एक नोटिफिकेशन हुआ है एमएचए से अबाउट लॉकडाउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर आप आए हैं आज दो आप रैलीज करेंगे, रोड शोज करेंगे, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, और कोविड का जो महामारी बना हुआ है इस बार भयानक है। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रीथिंक करना चाहिए अपना पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी, नहीं तो साधारण लोग तो एकदम मर जाएंगे, और वैक्सीन भी कम पड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे ठीक बात नहीं है, सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल कैंपेन का सवाल है, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है, वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह सकती कि तय कर सकती। हमारा सुझाव मांगा जाता है, निर्णय चुनाव आयोग करता है। तो मैं मानता हूं संविधान में और कोई व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था नहीं है कि जहां पर असेंबली या पार्लियामेंट का आयुष्य खत्म होता है तो इसके बाद कोई टेम्पररी व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है। शायद इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराना पसंद करा होगा, और ये बात सही है, मगर सब लोग अपना अपना ध्यान रखकर ही चुनाव का प्रचार करते हैं और आने वाले भी अपना अपना ध्यान रखकर ही आते हैं। ना हो गए लक्ष्मी जी, सर मैं लक्ष्मी जी मीडिया से, मेरा सवाल ये है कि सेकंड फेज में केसरपुर क्षेत्र पर जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, हमने वो खबर दिखाई, उसके बाद हमारी टीम पर हमला हुआ, जब हावड़ा में एक टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मशीन मिली वो खबर दिखाई तो हमारी टीम पर हमला हुआ, लगातार मीडिया पर हमले हो रहे हैं, इन पूरे हमलों पर आप क्या है? मैंने कह दिया ऑलरेडी, किसी पर हमला नहीं होना चाहिए, मीडिया पर भी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी नहीं होना चाहिए, और चुनाव आयोग ने कठोर कदम उठाने चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृहमंत्री, मैं सुमंत राय चौधरी, ईटीवी भारत से। एक तो ये माना जाता है कि बंगाल के नए उद्योग की स्थापना के लिए दो रुकावट है, एक है जमीन नीति जिसका आंकड़े में सिंगूर में मोटर फैक्ट्री होते होते रह गया, दूसरा है एसईजेड नीति जिसके लिए इंफोसिस या विप्रो नहीं आए, दूसरा क्या है एसईजेड। सो इस संदर्भ में मेरा सीधा सवाल है आपसे, अगर बीजेपी का गवर्नमेंट आए, ये जमीन नीति और एसईजेड नीति में कोई बदलाव आएगा? देखिए, हमने कहा है कि जितनी भी जमीन खाली पड़ी है इसका एक लैंड बैंक बनाएंगे, और भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों बैठकर केमिकल एमिकेबल सॉल्यूशन और इसका रास्ता ढूंढेंगे। संवाद से, डायलॉग से हर चीज का रास्ता निकलता है, हर राज्य ने निकाला है, जिनको नहीं करना है वो बहाने बताते हैं। धन्यवाद।